सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 19th एंड NTSE चैनल, दिस इज कुणाल। तो इस वीडियो में यार हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम्स देख रहे होंगे जो आपकी टर्म वन एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप सभी लोगों ने यार सैंपल पेपर देखा होगा CBSE का और पेपर पैटर्न जो हम यूज कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस सेट में, तो वहां पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं आपकी बायोलॉजी से, है ना। तो बायोलॉजी के लिए जितने भी डायग्राम्स हैं उन सारे डायग्राम्स को हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं, एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे यार कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस उसमें पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से पार्ट्स को याद रखने चाहिए और उन पार्ट्स का फंक्शन क्या क्या है, वो बेसिकली किन चीजों के लिए काम आते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे क्लास 10th में हो अगर आप यार, तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखना अगर क्लास 10th की तैयारी कर रहे हो, टर्म 1 की एग्जामिनेशन आपके काफी क्लोज आ चुके हैं। तो एक एक करके हम लोग यार देखेंगे, लाइव प्रोसेस की बात करेंगे। आप सभी लोगों को पता है कि टर्म 1 के सिलेबस में सिर्फ लाइव प्रोसेस ही है, तो अभी के लिए हम लाइव प्रोसेस की ही बात कर रहे होंगे इस वीडियो में। तो लाइव प्रोसेस में बेसिकली काफी सारे डायग्राम है यार, है ना। अगर आप लाइव प्रोसेस की बात करें तो जितने भी प्रोसेस हैं जो हमारी लाइफ की संचालन के लिए जरूरी हैं, वही किसके कैटेगरी में आते हैं, बेसिकली लाइफ प्रोसेसेस के, कि आप तरह तरह की चीजें करते हो, खाना खाते हो वो पचती हैं, फिर क्या क्या अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, जितनी भी चीजें आप पढ़ते हो वो सारी आपकी लाइफ प्रोसेस के अंदर आती है। कि ये चीजें अगर आप इनमें से एक भी चीज अगर नहीं करते हो तो फिर आपकी लाइफ की प्रोसेस खत्म हो जाएगी, है ना। तो वैसे ही हम यहाँ पे सबसे पहले क्या देखने की कोशिश करेंगे यार, जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं उन सारे डायग्राम्स को कवर करेंगे, उनके पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स क्या क्या होते हैं, वो किस काम आते हैं, इसके बाद उनके फंक्शंस भी हम देखते हुए चलेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपको पार्ट्स देके उनके फंक्शंस भी पूछ दिए जाएं। पहला तरीका है कि डायग्राम देके उसमें कुछ नंबरिंग करके वो पार्ट्स पूछा जा सकता है आपसे, या फिर दूसरा तरीका है दैट इज कि आपको पार्ट्स दिया जाए और उनका फंक्शन पूछ दिया जाए। तो कैसे करेंगे हम इसे, तो एक एक करके समझेंगे। तो आप अगर एनसीईआरटी अपनी ओपन करेंगे तो उसमें सबसे पहली चीज जो आती है दैट इज लीफ, और लीफ में आप देख सकते हैं ये जो आपका पार्ट है इसमें दो चीजें दिखाई गई हैं। एक बेसिकली इसे कट किया गया है, एक पत्ते के लेंगे आप, ये पत्ता है, इसको कट करके अगर साइड व्यू देखोगे आप तो ये बेसिकली एक साइड व्यू है, है ना। कैसा व्यू है, साइड व्यू है, मतलब किनारे से अगर आप देखते हो पत्ते को कट करने के बाद, तो इस डेंटल में बेसिकली दो पार्ट आपको मिलेगा। एक ऊपर वाला पार्ट दैट इज ऑरेंज कलर से दिखाया गया है जिसे हम फ्लोएम बोल रहे हैं, और नीचे वाला पार्ट जिसे हम जाइलम बोल रहे हैं। तो इस तरीके से आपको इंडिकेट किया जा सकता है, वी नो, है ना, कि स्टेम वाले पार्ट में क्या होता है, बेसिकली जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, और जाइलम का वर्क क्या होता है कि ये फूड, सॉरी वाटर मटेरियल कहां से कहां तक लेके जाता है, नीचे से ऊपर तक ले जाता है, बट ये वन वे होता है। क्या होता है, वन वे, मतलब रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके आपकी लीफ तक वाटर को लेके जाता है। फिर लीफ पे क्या होती है भाई, आपकी फोटोसिंथेसिस होती है, खाना बनते हैं। फ्लोएम क्या करते हैं भाई, फ्लोएम हमारी फूड की ट्रांसफर के लिए, बेसिकली जो भी अपने ट्रांसपोर्टेशन है उनके लिए रिक्वायर्ड है, और ये टू वे कम्युनिकेशन होता है, टू वे, बेसिकली ये दोनों तरफ चल सकते हैं, बट हमारी जो जाइलम है वो एक ही तरफ, तो वन वे कम्युनिकेशन आपकी जाइलम को ट्रीट किया जा सकता है और फ्लोएम को टू वे कम्युनिकेशन ट्रीट किया जा सकता है, क्लियर। अब हम इतने से पार्ट को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसको साइड व्यू से देखेंगे तो बेसिकली इस तरीके से कुछ दिखेगा, जिसमें पहली लेयर जो आएगी दैट इज आपकी वैक्सिकर्टल आएगी, जो सबसे जरूरी चीज आती है दैट इज एपिडर्मिस यार, बेसिकली हम इसको स्किन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, कि जो आपकी बाहरी परत, जो आपकी सेफ्टी परत होती है एपिडर्मिस, मतलब जितनी भी मटेरियल्स है ना, जैसे सैंडविच की अगर बात की जाए तो सैंडविच में जितने भी आप अंदर मटेरियल्स भरते हो तो ऊपर ब्रेड लगा के, एक ऊपर ब्रेड लगाते हो, एक नीचे ब्रेड लगाते हो, उसको कवर अप करने के लिए, बेसिकली लेयर, तो दैट लेयर इज कॉल्ड एज द एपिडर्मिस, और ये अपर लेयर मतलब ऊपरी वाला हिस्सा है, और यहां पे लोअर एपिडर्मिस मतलब निचली वाला हिस्सा है, मतलब एक ब्रेड नीचे लगा के रखे हो, एक ब्रेड ऊपर लगा के रखे हो, तो दिस ऑल ओवर द, ये अपना है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी चीज आती है यहाँ पे वैक्सिकर्टल, ये क्या करता है भाई, जितनी भी आपकी इवापोरेशन है, जितनी भी चीजें हैं, ये उसको रिस्ट्रिक्ट करके रखता है कि आपकी वाटर इवापोरेट ना करे यहां से, जबकि आप सभी लोगों को पता है कि वो सारी स्टोमेटल पोर्स ही होते हैं, वाटर की वैस्पिरेशन होती है, ट्रांसपिरेशन आपने देखा होगा, बट हर जगह से नहीं होके वो फिक्स जगह से होती है, दैट इज स्टोमेटल पोर्स से। तो ये वैक्सिकर्टल क्या करते हैं भाई, इनकी एक तरीके से लेयर है आपकी सेफ्टी लेयर, जहां से ये इवापोरेशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, इवापोरेशन नहीं होने देते हैं।
क्लियर। इसके बाद अपना क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनेल। इसके बाद ये एयर स्पेस गिवन है। अगर ये आपको कहीं पे भी इंडिकेट करके पूछा जाए कि व्हाट इज दिस, तो आप इसको एयर स्पेस की तरीके दिखाएंगे। वैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर, ये आपकी जितनी भी सेल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो गैप दिख रहा है। बेसिकली नीचे वाले में क्या है, गैप दिख रहा है। ये आप इस तरीके से देख रहे हैं, अभी इसके साइड व्यू अगर देखते बेसिकली, तो ये जो आपकी सेल है ये भी आप आगे देखेंगे गार्ड सेल, तो वो बेसिकली डाउन व्यू है, ठीक है, जो आप देखेंगे अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा गार्ड सेल का व्यू, तो वो डाउन व्यू है बेसिकली नीचे से। अभी तो आप साइड से देख रहे हो, जब नीचे से देखोगे तो ये गार्ड सेल अगले वाले डायग्राम की तरह ही दिखेंगे, जिन्हें हम गार्ड सेल बोलते हैं। और इनका क्या फंक्शन है वो हम आगे देखेंगे। तो एक एक करके हमने फंक्शन देख लिया, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, ये सब का फंक्शन क्या है, जाइलम फ्लोएम इसको क्या बोलते हैं, मिड रिब बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं बेसिकली, और लैमिना या फिर लीफ ब्लेड इसको बोलते हैं इस पार्ट को। तो मेक श्योर आपको जस्ट पार्ट के नाम याद करके रखने हैं, कि मे बी आपको इंडिकेट किया जा सकता है कि इस पार्ट का नाम क्या है, तो इट विल ऑल्सो अ वेन, है ना। अगर आपसे मैं ये वाले पार्ट को पूछूं तो ये क्या है, तो ये भी आप क्या बोलेंगे इसको, इट इज ऑल्सो अ वेन। तो आपको हर पार्ट दिखाया जा सकता है, एक एक करके सारे डायग्राम्स आप देखते हुए चलें कि कौन सा पार्ट क्या है, कौन सा पार्ट क्या है। मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर मैं इस पार्ट को इंडिकेट करता हूं तो ये क्या है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा डायग्राम जो दैट विल बी द स्टोमेटल पोर, या फिर आप बोल सकते हैं गार्ड सेल्स, जो बहुत ही जरूरी चीज है कि आपके पास ये जितनी भी सेल्स हैं इनको क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। जैसे नाम से यार देखो क्लियर हो रहा होगा कि गार्ड सेल है ना, कि सेल ऐसे सेल्स जो गार्ड का काम कर रहे हो, बेसिकली किसके लिए काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको इंडिकेट किया गया होगा स्टोमेटल पोर, जो कि एक रास्ता है किसके लिए, आपकी गैसियस एक्सचेंज के लिए, क्योंकि हमें पता है कि लीफ को क्या चाहिए होता है, दैट इज उन्हें चाहिए अपना ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज चाहिए, है ना। हम क्या करते हैं यार, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लीफ क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, है ना, जितने भी प्लांट्स हैं। तो यहां से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, बेसिकली गैसेस का एक्सचेंज होता है, और वो एक्सचेंज कौन डिसाइड करता है, तो दोज एक्सचेंज विल डिसाइडेड बाय द गार्ड सेल्स, है ना। स्टोमेटल पोर जब ओपन होगा, रास्ता खुलेगा, तभी गैसेस आएगी, और वो रास्ता कौन डिसाइड करता है कि ओपन होगा या क्लोज होगा, वो डिसाइड करते हैं अपने गार्ड सेल्स। तो यहाँ से इवेपोरेशन भी होती है हमारी वाटर्स की, ये अपना क्या है, मैं इसे इंडिकेट कर रहा हूँ, मैंने ऊपर भी किया था, यहाँ पे भी कर रहा हूँ। तो जो आपने नीचे गैप देखे थे वो बेसिकली यही थे, आपकी गार्ड सेल्स ही थे वहां पे, तो यही चीजें थी। बाकी अगर यहां से पूछा जाए कि आपका स्टोमेटल पोर खुला हुआ है या फिर क्लोज है, तो यहाँ पे ओपन दे सकते हैं, यहाँ पे जब भी ये स्वेल करेगा, बेसिकली स्वेल का क्या मतलब है, खुला हुआ, स्वेल करेगा तब ये ओपन होगा, और जब भी ये सिंक करेगा मतलब पचका हुआ दबा हुआ, तो वो किस तरीके से है, क्लोज्ड है। तो ये इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, और ये क्या है, बेसिकली ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लियर। तो ये भी डायग्राम्स आप ध्यान से देखते हुए चलिएगा। इसके बाद अगला जो आता है दैट इज आपकी फीडिंग ऑफ अमीबा, अमोनिया दिशांग में आ रहा है ना, कि अमीबा अपना फूड कैसे कैप्चर करता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो अमीबा आपको पता है क्या है, सिंगल सेल है ना, सिंगल सेल्ड बॉडी है, सिंगल सेल्ड बॉडी है, इसके पास पूरे बॉडी में एक ही सेल है। जैसे हम क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, हमारे पास अलग अलग सेल है जिनका अलग अलग एक स्पेसिफिक टास्क है, यू विल डू दिस, है ना, यू विल डू दिस। हर सेल के लिए अलग अलग टास्क है कि आप खाना खाएंगे तो आप उसको ब्रेक करेंगे, आपका ये काम होगा, बट ये सिंगल सेल है, तो इसके पास जितने एक ही सेल है, हर काम उसी को ही करना है। तो ये अपने जितने भी फूड लेता है वो कहाँ से लेता है, अपने बॉडी सरफेस से ही लेता है। और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, जब भी आप फूड लाएंगे तो बेसिकली ये क्या करते हैं, आपकी फूड पे फ्यूज कर जाते हैं, उन्हें अटैक कर लेते हैं, वहां पे एक छोटी सी स्पेस बना देते हैं, स्यूडोपोडिया, बेसिकली एक स्पेस जहां पे फूड को अटैक किया जा रहा है, क्लियर। फिर फूड अटैक करता है और फूड वैक्यूल्स बनता है, दैट इज जहां से आपकी फूड की अब्जॉर्प्शन होगी, जो भी न्यूट्रिएंट्स उसे चाहिए, जो भी उसे चाहिए वो अपना क्या करेगा, फूड पार्टिकल्स को तोड़ लेगा, और जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो अगेन क्या होगा, उस सरफेस से ही, बॉडी के सर्फेस से ही क्या होता है, निकल जाता है। तो बेसिकली कितने प्रोसेसेस में, चार प्रोसेस में अमीबा अपना क्या करता है, फूड एब्जॉर्ब करता है। पहले फूड पार्टिकल्स आप लाएंगे, इट विल अटैक फ्रॉम इट फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज सूडोपोडिया। After that, there will a food vacuole and food particle. Then it will break
इट विल ब्रेक द फूड पार्टिकल्स इन स्मॉल पार्टिकल्स एंड जितने भी यूजफुल पार्टिकल्स होंगे वो उन्हें एब्जॉर्ब कर लेगा, वो उन्हें अपनी एनर्जी में यूज कर लेगा इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जितने भी वेस्ट पार्टिकल होंगे वो फिर से सरफेस से क्या होंगे, बाहर एक्सक्रीट कर दिए जाएंगे। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है आपका अमीबा के लिए। और इसके बाद जो चीज आती है दैट इज अपनी पूरी एलिमेंट्री कैनाल, यहां से लेके माउथ से लेके आपकी यहां तक की चीजें जितनी भी हैं टोटली हम इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। अब यहां पर सबसे जरूरी चीज कि यहां का अगर इंडिकेशन दिया गया हो तो आप उसे किस तरीके से ट्रीट करेंगे, टंग की तरह। अगर ये इंडिकेशन दिया हो तो माउथ कैविटी या फिर बकल कैविटी बोल सकते हैं। इस पाइप दैट इज जो क्या करती है भाई, ट्रांसफर पाइप बोल सकते हैं इसे, कि ये जस्ट फूड को ट्रांसफर करती है माउथ से स्टमक तक की। इसके बाद आपकी डायफ्राम है, ठीक है, सबसे ऊपर जो चीज आती है डायफ्राम, जब आप सांस लेते हैं तो ये स्ट्रेट हो जाती है, फिर क्या होती है, मुड़ जाती है। फिर इसके बाद ये वाली चीज जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। फिर आपकी गाल ब्लैडर आ जाएगी जो बाइल जूस को, जो लीवर हमारा बाइल जूस सीक्रेट करता है, इट विल स्टोर इट। आफ्टर दैट बाइल डक्ट, दैट इज अपना बाइल डक्ट है ये, लीवर है, पैनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, एनस है एंड अपेंडिक्स है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपकी डायग्राम पे ध्यान रखनी है। आगे हम देखेंगे एक एक करके खाना कैसे खाते हो आप, कहाँ ब्रेक होता है, कैसे कैसे ब्रेक होता है, वो सारी प्रोसेस आगे हम देखेंगे। बट यहाँ पे अगर कोई भी डायग्राम आपसे पूछा जाए तो आप डायग्राम, सारी चीजों का डायग्राम अच्छे तरीके से आप बताएंगे, क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं, जब हम फूड लेते हैं तो बेसिकली डाइजेशन सिस्टम कैसे हमारा वर्क करता है। आप फूड कहाँ खाते हो, माउथ में फूड खाते हो, इनटेक ऑफ होल फूड, आप सारा का सारा फूड कहाँ खाते हो, माउथ में खाते हो। ये हो सकता है डाइजेशन से प्रोसेस से रिलेट करके कोई भी चीज पूछी जा सके, तो यहाँ पे आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी कि जब आप खाना खाते हो टीथ से आप क्या करते हो, उसे तोड़ते हो, चीव करते हो, चबाने की कोशिश करते हो, क्लियर। फिर टंग का क्या रोल होता है, दैट इज रोलिंग ऑफ फूड, टेस्टिंग ऑफ फूड, स्वेलिंग, पुशिंग डाउन ऑफ द फूड। आप क्या करते हो, उसे रोल करते हो, मिक्सिंग का काम करते हो, टेस्ट करते हो, टेस्ट लेते हो, उसके बाद स्वेलिंग या फिर पुश करते हो टंग से उसको अंदर की तरफ, क्लियर। इसके बाद टंग का और का काम है सीक्रेट सलाइवा, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है हमारी अंदर जो क्या करती है, सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं। जब आप खाना खाते हो तो आपको लगता है कि मुंह में पानी आ रहा है ना, दैट नॉट एक्चुअली वाटर, दैट इज नॉट अ लिक्विड, इट इज अ लिक्विड विच वी कैन से दैट इट्स अ सलाइवा बेसिकली, है ना, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती है जिसे हम सलाइवा प्रेजेंट बोलते हैं, म्यूकस बोल सकते हैं, स्टार्च। अब माउथ की जो डाइजेशन शुरू होती है वो कैसे, जितना भी आप स्टार्च लेते हो उसको सलाइवरी जो एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज अमाइलेज, इट विल ब्रेक इनटू द सुगर, स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ने की कोशिश करेगा जो कि सुगर। तो प्राइमरी डाइजेशन कहाँ शुरू होता है, हमारे माउथ में, दैट इज स्टार्च किस फॉर्म में ब्रेक हो जाता है, सुगर के फॉर्म में ब्रेक हो जाता है, क्लियर। चलिए आगे, दैट इज अब खाना कहाँ जाएगा, ओसोफेगस में जाएगा माउथ के बाद। ओसोफेगस इस बेसिकली पाइप जो क्या करता है, हमारी फूड को कहाँ पहुंचाता है, स्टमक तक पहुंचाता है, उससे ज्यादा उसका वर्क नहीं पूछा जाएगा। अब स्टमक में जाएंगे तो स्टमक की वाल में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती हैं, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती हैं, क्लियर, जिनमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, पेप्सिन, HCL एंड म्यूकस, तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं। पेप्सिन का काम क्या होता है भाई, ये प्रोटीन्स को ब्रेक करता है, ये ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक करता है। HCL क्या है, ये मीडियम एसिडिक बनाता है हमारी मीडियम को। और म्यूकस का काम क्या है भाई, अब आपका HCL के वजह से सारी चीजें एसिडिक हो गई हैं, आपकी एसिडिक इन नेचर हो गई है फूड, तो आपकी स्टमक की वाल को इफेक्ट कर सकती है एसिडिक चीजें, हमें पता है कि हार्म होती है, हार्मेबल चीज होती है, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस रिलीज किया जाता है। फिर इसके बाद फूड हमारा कहाँ जाता है, दैट इज स्टमक से कहाँ पुश किया जाता है, स्टमक से पुश करके आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जहां पे मेजर डाइजेशन होती है, मेजर डाइजेशन होती है, कहने का मतलब सारी चीजें आपकी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, कुछ भी है वो सारी की सारी चीजें कहाँ डाइजेस्ट हो जाती हैं, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। और सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट अगर पार्ट बोला जा सकता है एलिमेंट्री कैनाल का तो दैट विल बी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे हो, ठीक है, हर्बीवोरस हो या फिर ओमनीवोरस हो, तो जो लोग भी ओमनीवोरस होते हैं, ठीक है, ओमनीवोरस हो, ओमनीवोरस या फिर अगर हर्बीवोरस हो,
आप अगर एनसीईआरटी पढ़े होगे तो आपको ये सारी चीजें जरूर समझ में आ रही होंगी कि स्मॉल इंटेस्ट साइन बेसिकली हर्बीवोरस के लिए लॉन्ग होती है, जो घास फीस खाते हैं, और जो मांस मच्छी खाते हैं उनके लिए क्या होती है, स्मॉल होती है। बेसिकली इनके लिए डाइजेशन ज्यादा चाहिए होता है, मतलब ज्यादा लंबा रास्ता चाहिए होता है डाइजेस्ट करने के लिए चीजों को, बट इनके में स्मॉल में ही काम हो जाता है। क्लियर। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे तो इंटेस्टिनल एंजाइम क्या करेगा, यहाँ पे इसमें भी आपकी इंटेस्टिनल ग्लैंड होती है जो क्या करती है, इंटेस्टिनल एंजाइम सिक्रेट करती है, दैट विल कन्वर्ट द कार्बोहाइड्रेट इन ग्लूकोज एंड फैट इन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर देती है, अमीनो एसिड में। तो ध्यान से देखिए, खाना आपने खाया, स्टार्च फॉर्म किसमें टूट गया, सुगर में टूट गया आपके माउथ में ही, तो प्राइमरी डाइजेशन हो गई वहां पे। फिर माउथ से ओसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होगा, जस्ट इट इज अ ट्रांसफर, कि ये ट्रांसफर करेगी आपकी बॉडी फूड को कहां तक, स्टमक तक। अब स्टमक में क्या होगा, दैट इज पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, हमारी प्रोटीन्स को ब्रेक कर देता है छोटे छोटे फॉर्म में। HCl क्या करता है, बेसिकली मीडियम प्रोवाइड करता है किसको, प्रोटीन्स को ब्रेक करने के लिए, पेप्सिन को अच्छे से काम करने के लिए HCl ही मीडियम प्रोवाइड करता है। और म्यूकस का काम क्या है, जस्ट हमारी लेयर को प्रोटेक्ट करना, जो पेट की लेयर है आपकी अंदरूनी लेयर, वो एसिडिक मीडियम से इफेक्ट ना हो, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, हार्म ना पहुंचे, इट विल अफेक्ट बेसिकली प्रोटेक्ट, है ना, इट विल प्रोटेक्ट फ्रॉम दैट। क्लियर। इसके बाद आप फूड कहाँ जाएगा, दैट इज इंटेस्टाइनल एंजाइम में। यहाँ पे एक छोटा सा वर्क देता हूँ कि आपका एक आप देखेंगे मसल होती है, दैट इज स्टमक से जो फूड को फोर्स करके स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजती है, ये आपको कमेंट में बताना है कि वो कौन सी होती है। क्लियर। इंटेस्टिनल एंजाइम में कुछ अलग अलग एंजाइम्स हैं, दैट इज जो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को स्पेसिफिक टास्क करते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। तो ये डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है कि फैट किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है। क्लियर। और ये भी आप ध्यान रखेंगे कि हर्बीवोरस की लॉन्ग इंटेस्टाइन होती है और ओमनीवोरस की स्मॉल होती है। क्लियर। अब इसके बाद ये सारी चीजें ब्रेक हो गई तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे, ये अगर आपका मान लेते हैं अगर स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इस तरीके से कुछ आपके क्या होते हैं, विलाइज प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो क्या करते हैं आपकी फूड में से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे और ब्लड में पहुंचा देते हैं। क्लियर। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम लीवर, ये और क्या क्या करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जितनी भी सीक्रेशंस होती हैं, बाइल जूस जो हमारा लीवर सीक्रेट करता है, जो क्या करता है, हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जो फैट की इमल्सिफिकेशन में काम आता है बाइल जूस। ठीक है, तो लीवर सीक्रेट करेगा बाइल जूस, वो भी कहाँ करेगा, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही करेगा, और वो किस काम आता है, दैट इज हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्लियर। और पैनक्रियाज भी जो जूस हमारा जूस सीक्रेट करता है, दैट इज पैनक्रियाटिक जूस, ये भी कहाँ जाता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही बेसिकली जाता है। तो आपसे दो चीजें पूछी जा सकती हैं कि बाइल जूस डायरेक्टली कहाँ जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, या फिर पैनक्रियाटिक जूस तो वो कहाँ जाता है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जाता है। अब पैनक्रियाटिक जूस में भी दो तरीके के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ट्रिप्सिन एंड लिपेज। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करना, और लिपेज का काम क्या होता है कि फैट को लिपिड्स में कन्वर्ट करना। तो आप यहां से आइडिया लगा सकते हैं, ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करना, एंड लिपेज का काम है क्या, फैट्स को लिपिड्स में कन्वर्ट करना। क्लियर। अब यहां से मोस्टली डाइजेशन तो हमारी हो जाती है जो सारी चीजें, अब थोड़ी चीजें जो थोड़ी बहुत बची होती हैं वहां से फिर ट्रांसफर होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कहने के लिए ये लार्ज है और वो कहने के लिए स्मॉल है, लेकिन जस्ट इसका अपोजिट है कि ये लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारी एलिमेंट्री कॉलम का। ठीक है, इन कंपैरिजन टू ऑल अदर कहना है ना पार्ट। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होती है, छोटी माइनर सी डाइजेशन होती है, दैट इज जितने भी एक्सेस वाटर होंगे वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, रेस्ट ऑफ मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। इसके बाद जो भी थोड़ी बहुत वाटर होगी अगर एक्सेस में है तभी वो एब्जॉर्ब की जाएंगी लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा, अदरवाइज इट विल एक्सक्रीट फ्रॉम द एनस। ठीक है, वो सारी चीजें वहां से हटा दी जाती है। इसके बाद ये रही पूरी डाइजेशन की प्रोसेस की, आपने खाना खाया, माउथ में कहाँ ब्रेक हुआ, स्टमक में क्या हुआ, आपके बाद स्टमक में पेट में गया तो पेट में कौन सी ग्लैंड होती है, दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो क्या करेगी आपकी HCl सिक्रेट करेगी और अलग अलग चीजें पेप्सिन सिक्रेट करेगी, तो वो चीजें आपने वहां से देख ली। इसके बाद आगे दैट इज हमारी जो अब आ गई भाई कि आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आइए, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको नोट करनी है, दैट इज नेसल पैसेज जो आपकी एयर को पास करता है, माउथ कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रैचिया,
रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। बेसिकली इसका क्या काम है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का, कि ये एयर को मिक्स नहीं होने देता है, कि आप ले रहे हो छोटे दोनों को मिक्स नहीं करने देता है। दैट इज लंग्स, सबसे अच्छी चीज है हमारे लिए, कि हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने का काम कौन करता है, लंग्स करता है। रिब्स, डायफ्राम, अभी आपने ऊपर भी देखा था, डायफ्राम बेसिकली दो तरीके से प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डायफ्राम, आपने ऊपर भी देखा था कि आपके जो डायग्राम बना था उसके ऊपर डायफ्राम प्रेजेंट था। तो कहीं पे भी दिया जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हर जगह के लिए डायग्राम आपको याद रखनी है। ये है क्या है, ब्रोंकाई, ब्रोंकलीज और एल्वियोलर सैक है। इसके बाद जो दैट इज लास्ट वाला पार्ट जो आता है आगे, फर्दर डिवाइड होते होते एक छोटी सी कुछ इस तरीके से पाइप की तरह दिखेगी, जो आपकी एल्वियोलाई कहते हैं, जहां मेजर क्या करता है, ये गैसियस एक्सचेंज के लिए काम आता है। जैसे आप क्या करते हो, सांस लेते हो, ठीक है, हमने क्या किया, सांस लिया, ये ह्यूमन का है तो ह्यूमन को चाहिए ऑक्सीजन, हमने ऑक्सीजन इनटेक किया और बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो जब भी ब्लड हमारे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं, तो उसमें बच जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। आफ्टर दैट कार्बन डाइऑक्साइड बच गया, अब वो वाटर ब्लड कहाँ आता है, हार्ट में आता है, हार्ट से आने के बाद कहाँ जाता है, दैट इज आपके फेफड़ों में जाता है, लंग्स में जाता है। लंग्स में क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स एब्जॉर्ब कर लेगा थ्रू एल्वियोलाई, और ऑक्सीजन कहाँ मिक्स कर देगा, आपकी ब्लड में मिक्स कर देता है। आफ्टर दैट ब्लड कहाँ चला जाता है, हमारे हार्ट में। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपकी एल्वियोलाई का काम है, क्या करता है, बेसिकली गैसियस एक्सचेंज का काम करता है। रेस्पिरेटरी ब्रोंकलाइज क्या होती है, ये होती है, ये फर्दर आगे डिवाइड हो जाती है। तो आपको ये डायग्राम्स बेसिकली, मैं क्यों, ये वीडियो आपको फंक्शन समझाने के लिए बेसिकली नहीं है, आपके पूरे डायग्राम्स देखने के लिए, कि आपको सारी चीजें डायग्राम्स याद कर लेनी है, कि लैरिंग्स कहाँ होता है, फेरिंग्स कहाँ होता है, ट्रेचिया क्या होती है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहाँ होता है और लंग्स कहाँ होता है, ये सारी चीजें आपको देख लेनी है। तो ये लंग्स है अपना बेसिकली, इस तरीके से अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये लंग्स है। क्लियर, आगे अब आते हैं भाई, दैट इज ग्लूकोज की डाइजेशन के लिए, ग्लूकोज कैसे ब्रेक होता है, कहाँ ब्रेक होता है, ये आपने पढ़ा होगा, बट मैंने ये क्वेश्चन पिक किया हुआ था अपने जब मैं मॉक टेस्ट सॉल्व करा रहा था, तो वहां पे भी ये था, यहाँ पे भी देख लो कैसे, ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, दैट इज ग्लूकोज, ये कैसे टूटता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, और वो होती कहाँ है, साइटोप्लाज्म में होती है। पाइरुविक एसिड फॉर्म होगी, दैट इज 3 कार्बन की कंपाउंड, और क्या होगी, एनर्जी मॉलिक्यूल आपका निकल जाएगा, एनर्जी निकल जाएगी। अब फिर से वो पाइरुविक एसिड क्या होगी, ब्रेक होगी और छोटे फॉर्म में, अगर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, ये यीस्ट की कंडीशन है बेसिकली, यीस्ट की, अगर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है तो दो चीजें बनती हैं, दैट इज इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और यही आपको ध्यान रखना है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की दो कंडीशन है, एक तो मसल्स वाली, एक तो यीस्ट वाली। तो मसल्स वाली क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनेगी और क्या बनेगी, एनर्जी रिलीज होगी, बट अगर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यीस्ट हो रहा है तो वहां क्या बनता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्लियर, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो वो रिएक्शन कहाँ हो रही होगी, माइटोकांड्रिया में हो रही होगी, और वहां पर क्या रिलीज होगा, CO2 प्लस वाटर एंड एनर्जी रिलीज होगी। तो ये तीन चीजें हैं जो आपको, तीनों रिएक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत ही जरूरी है, ये आपसे पूछी जा सकती है, कि यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ के फर्स्ट करके पूछ लिया जाए, यहाँ पे इसको ब्लैंक करके 2 पूछ लिया जाए, और यहाँ पे इसको ब्लैंक करके 3 पूछ लिया जाए। तो आप कुछ भी चीजें पूछी जा सकती है, आपको सारी रिएक्शन याद होनी चाहिए। क्लियर, इसके बाद बात कर लेते हैं हार्ट की, दैट इज अपने पास हार्ट होते हैं भाई, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, तो हम इसको इस तरीके से कुछ दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको सारी चीजें आसानी से याद हो जाएं। क्लियर, आपकी ऊपर क्या आती है, जो भी पार्ट होगा ऊपर का ये वाला हिस्सा, हम इसको आर्टरी बोलते हैं बेसिकली, ठीक है, आर्टरी बोलते हैं, सॉरी ऑर्ट्रियम बोलते हैं, बार बार मैं इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ, आर्ट्रियम बोलते हैं, और नीचे वालों को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं, वेंट्रिकल, और नीचे भी दो पार्ट आपने कर रखा है, तो ये वाला हिस्सा राइट बोलते हैं, इसको राइट वेंट्रिकल, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट ऑट्रियम, और इसको क्या बोलते हैं, राइट ऑट्रियम। अब आप बोलेंगे भैया आप उल्टा बोल रहे हो, तो यू हैव टू जस्ट, है ना, आपको खड़ा होना अपनी स्क्रीन के यहाँ जहाँ आप मोबाइल रखियो, और फिर से अपनी तरफ मुंह करके देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये हिस्सा राइट है, ये वाला हिस्सा लेफ्ट है, और नीचे जो भी अपना अपना नीचे वाला भी राइट लेफ्ट सेम मैनर में ही होगा। क्लियर, अब यहाँ पे दैट इज ब्लड की बात करें, कि हमारा हार्ट का बेसिक काम क्या होता है, तो हार्ट का बेसिक काम होता है पंपिंग ऑफ ब्लड, पंपिंग ऑफ ब्लड, है ना, कि ये ब्लड हर ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है, इसका सिंपल सा काम ये होता है, ये जब धड़कता है बेसिकली बंद होती है फिर पंप करता है, बंद होता है फिर पंप करता है, बंद होता है फिर पंप करता है, तो ब्लड को पुश करता है कहां, जाने के लिए आगे। क्लियर,
क्लियर है। चलिए इसके बाद इस पार्ट को आप देख रहे होंगे, दैट इज ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं हम वाल्व बोलते हैं। इनका काम क्या है भाई कि ब्लड अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो ना करे, ठीक है। तो वाल्व भी अगर कहीं कंफ्यूजन में पूछ दिया जाए, इसको बोल दिया जाए, इसको बोला जाए, कहीं पे भी अगर ये दोनों चीजें आपको दिख रही हैं तो ये क्या है, दोनों बेसिकली वाल्व की तरह ट्रीट कर सकते हो आप इसको और इसको। ये क्या करती है, ब्लड की रॉन्ग डायरेक्शन की फ्लोटेशन को रोकती है। मतलब अगर आप इधर जा रहे हो तो ये इधर नहीं आ सकते हैं, एक बार अगर इधर फ्लो कर गए तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाता है। क्लियर, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे देखो, समझो ये अपना बॉडी पार्ट है, ठीक है। ये क्या है, अपना बॉडी पार्ट है। यहाँ बॉडी पार्ट में जब आपकी बॉडी का सेल्स वर्क करते हैं, छोटे छोटे सेल्स वर्क करते हैं, तो वर्क करने के लिए उन्हें फ्यूल जो चाहिए होता है बेसिकली, वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं कहाँ से, हमारी ब्लड से। तो ब्लड में जब इम्प्योर ब्लड होगा तो वो क्या बचेगा उसमें, CO2, ठीक है। और प्योर ब्लड को हम क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, प्योर ब्लड है तो इसे हम बोलते हैं बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर ऑक्सीजन रिच ब्लड बोल सकते हो, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो उसे हम प्योर ब्लड बोलते हैं बेसिकली, और जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं हो, खत्म हो, CO2 की मात्रा ज्यादा हो, उसे इम्प्योर ब्लड की तरह हम ट्रीट करते हैं। तो बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड हमारी राइट ऑट्रियम में आता है, राइट ऑट्रियम से वो बेसिकली कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाता है, हमारी लंग्स तक। तो यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, ये अपना लंग्स है, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाएगा, वो लंग्स तक चला जाएगा, और लंग्स में जाने के बाद गैसियस का एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स ले लेगा, ऑक्सीजन किस में मिल जाएगा, हमारी ब्लड में, और फिर से ब्लड कहाँ आता है, तो लेफ्ट ऑट्रियम में, और लेफ्ट ऑट्रियम के बाद वो फिर से कहाँ आता है, हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल फिर से कहां भेजता है, हमारी बॉडी ऑर्गन तक भेजता है प्योर ब्लड को, ठीक है, किसको, प्योर ब्लड को। क्लियर, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब आगे मैं आपको एक चीज और समझाऊंगा, दैट इज एक्सेप्शन, बहुत ही ज्यादा वो एक्सेप्शन वाला पार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट वेंट्रिकल इसको बोलते हैं, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इसको बोलते हैं, लेफ्ट ऑट्रियम इसे बोलते हैं, और राइट ऑट्रियम इसे बोलते हैं। वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, ठीक है, एरोटा इसे बोलते हैं। तो जितनी भी आपके पास डायग्राम्स है, जो जो मैंने स्पेसिफिक यहाँ पर डायग्राम दे रखे हैं, तो आपको हर एक डायग्राम बहुत ही क्लियरली क्लियर होना चाहिए। क्लियर, चलिए अगले वाले पार्ट पे हम मूव करते हैं, दैट इज आवर लास्ट पार्ट। यहाँ पे ये आपको डायग्राम बहुत ही बेसिक डायग्राम है, बेसिकली हार्ट लंग एंड बॉडी पार्ट है ना, ये क्या है हमारा बॉडी पार्ट है, ठीक है, बॉडी ऑर्गन बोल सकते हैं, बॉडी पार्ट बोल सकते हैं बेसिकली। तो यहां से जैसे मैंने बोला कि बॉडी पार्ट से जब भी ब्लड आपका क्या होगा, इम्प्योर होगा हमेशा, ठीक है, इम्प्योर होगा, तो वो किसके थ्रू ट्रांसफर होता है, वेन के थ्रू। तो वेन क्या करते हैं, हमेशा इम्प्योर ब्लड को कंटेन करते हैं, इम्प्योर ब्लड को कंटेन करते हैं, और आर्टरी क्या होती है, ये प्योर ब्लड को कंटेन करती हैं। क्लियर, प्योर ब्लड को कंटेन करती हैं। तो इम्प्योर ब्लड हमारी बॉडी पार्ट से कहाँ तक जाएगा, मैंने बोला था अभी राइट ऑट्रियम में जाएगा बेसिकली, फिर वहां से कहाँ जाता है, नीचे जाता है, दैट इज राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ चला गया, हमारी लंग्स में चला गया, और लंग्स में जाने के बाद O2 क्या होगा, ब्लड में मिलेगा, और ब्लड से क्या जाएगा, दैट इज CO2 निकल के लंग्स में आ जाएगा, और लंग्स से फिर से वो CO2 बाहर निकल जाता है। फिर से यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाता है, हमारी लेफ्ट ऑट्रियम में जाता है, और लेफ्ट ऑट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ चला गया, हमारे बॉडी पार्ट्स तक। यहाँ पे थोड़ी सी बस कन्फ्यूजन होती है कि ये पल्मोनरी आर्टरी आपको दिख रही है, मतलब पल्मोनरी आर्टरी क्या है बेसिकली, ये एक एक्सेप्शन है जो किसको कंटेन करती है, इम्प्योर ब्लड को। देखो अभी बोलोगे भैया कि आपने बताया यहाँ आर्टरी तो प्योर ब्लड को कर रही है, लेकिन यहाँ पे आर्टरी इम्प्योर ब्लड, तो ये एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी आर्टरी जो है, एक्सेप्शनल नाम भी आपको साथ में रखना है कि पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को, और पल्मोनरी वेन किसको करती है, दैट इज प्योर ब्लड को कंटेन करती है, ठीक है। ओवरऑल हमारी पूरी बॉडी में जितनी भी जगह है, सारी जगह वेन इम्प्योर कंटेन करेगी और आर्टरी प्योर करेगी, बट एक केस में, दैट इज हार्ट से जब लंग के यहाँ जाता है केस, और लंग्स से जब भी हार्ट तक आता है केस, वहां पे ये केस रिवर्स हो जाता है, दैट इज इम्प्योर ब्लड हमारा कौन कंटेन करता है, आर्टरी, और प्योर ब्लड कौन कंटेन करता है, पल्मोनरी वेन्स। तो ये दो चीजें थी जो आपको यहाँ पे समझनी थी, हमेशा याद रखें कि यहाँ से जब भी आएगा तो ऊपर वाले हिस्से में ब्लड आता है, ऊपर वाले से हो सकता है छन के नीचे आएगा, नीचे वाले से कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, पंप करेगा,
फिर से यहाँ पे ऊपर वाले में ही आएगा। हमेशा ध्यान रखें कि इनकमिंग वाला, हर इनकमिंग ब्लड कहाँ होता है हमारी, इनकमिंग ब्लड बेसिकली कहाँ होता है हमारी, ऑट्रियम में होता है, ठीक है, ऑट्रियम में। और आउट गोइंग का काम कहाँ से होता है, दैट इज हमारी वेंट्रिकल में, क्लियर। अब वो चाहे लंग्स तक जाना हो या फिर बॉडी पार्ट तक जाना हो, वो काम कौन करता है, वेंट्रिकल करता है, क्लियर। तो आई होप ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। कंक्लूजन पार्ट यही होगा मेरा यार कि आपके पास जितने भी डायग्राम्स हैं, आप उन डायग्राम्स को बहुत ही प्यारे तरीके से, जितने भी उसके डायग्राम में पार्ट्स हैं, हर पार्ट्स को अच्छे से समझें, हर पार्ट्स को देखें कौन कहाँ लाई करता है। हो सकता है कि आपसे डीप में फंक्शन ना पूछा जाए, लेकिन एक पार्ट पूछ दिया जाए जो कि बस देख के करने वाला क्वेश्चन होगा, तो आप वहां मिस जरूर कर जाओगे। और सभी बच्चों से सजेशन होगा मेरा कि आप हर लाइन एनसीईआरटी की अच्छे से पढ़ें, एक एक लाइन पढ़ें, आपको एक एक डायग्राम क्लियर होगा, एक एक चीज क्लियर होगी और एक एक फंक्शन क्लियर होगा कि आपको कैसे चीजें कर रही हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर हेल्प की होगी यार। अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करो, उन्हें भी पता लगे कि डायग्राम्स कितने इंपॉर्टेंट है, क्या फंक्शंस हैं। बहुत ही छोटे पार्ट में मैंने यार लाइफ प्रोसेस बेसिकली पढ़ा दिया आपको, बहुत ही छोटे तरीके में। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, सारी चीजें समझ में आई होगी। समझ में आई होगी तो लाइक जरूर करना और जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। थैंक यू सो मच।